अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आज हम एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की कहानी सुनेंगे। चलें शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले इंसान हज़रत आदम और सबसे पहली खातून हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। अल्लाह ताला ने इन्हें नामों का इलम दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम पहले जन्नत में रहते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जन्नत में जहाँ चाहो जाओ और जो चाहो खाओ, लेकिन इस खास दरख्त के पास ना जाना। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम इस दरख्त से दूर रहते थे। वहाँ एक बड़ा मगरूर शैतान अब्लीस भी था। शैतान अब्लीस ने सोचा कि मैं इंसानों से बेहतर हूँ क्योंकि मैं आग का बना हूँ और ये मिट्टी के बने हैं। वो चाहता था कि इंसान जन्नत में ना रहें। अब्लीस ने आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को गुमराह करने की साजिश की। अब्लीस ने इनसे कहा कि इस खास दरख्त का फल बड़ा मज़ेदार है, इसलिए इन्होंने फल का जायका चख कर देखना चाहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने इसके कहने पर जैसे ही वो फल चखा, इन्हें एहसास हो गया कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर बैठे हैं। वो रो कर अल्लाह ताला से अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। अल्लाह ताला ने इन्हें माफ़ तो कर दिया और हुक्म दिया कि अब वो इस जन्नत में नहीं रह सकते, लिहाजा अल्लाह ने इन्हें ज़मीन पर उतार दिया और फरमाया कि तुम्हारी औलाद में से जो कोई मेरा हुक्म मानेगा उसे दोनों जहान में कामयाबी मिलेगी, और जो शैतान की बात मानेगा गुमराह होगा। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम समझ गए कि शैतान अब्लीस ने इनसे झूठ बोला था और वो इंसान का सख्त दुश्मन है। इन्होंने अच्छाई और बुराई का फ़र्क अपनी औलादों को समझाया और ये भी बताया कि अगर दुनिया और आखरत में कामयाबी चाहते हो तो कभी शैतान की बात ना माना, सिर्फ अल्लाह ताला का हुक्म मानना, क्योंकि वही इबादत के लायक है। वक्त गुजरता गया और इंसानों की तादाद बढ़ने लगी। कुछ ही अरसे में एक बस्ती बन गई
और ज़मीन पर इंसानों की आबादी शुरू हुई। आज की हमारी ये कहानी ख़त्म हुए। शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।